इन दोनों को हम लेकर जा रहे हैं खुर बनाने के लिए, जिसको हम अपनी जुबान में कहे तो मेडिक्योर पेडिक्योर कराने। इन्होंने टेढ़े को पाँव में पकड़ा हुआ के निकले ना। हम जीटी रोड के बीच में खड़े हैं और इस बकरे ने दोबारा रस्सी निकाल लिया गले में से, वो जी पिंक कलर का पीछा खड़ा है। छोटा सा लेकिन बहुत चालाक है। गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग का स्टार्ट हम कर रहे हैं इस दुम्बे से। इन दुम्बों को हम लेकर जा रहे हैं खुर बनाने के लिए, जिसको हम अपनी जुबान में कहे तो मेडिक्योर पेडिक्योर कराने। देखें इनके खुर कितने बड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये अपना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये है भी गुस्से वाला दुम्बा है, देखें अभी भी गुस्सा कर रहा है, देखें अभी भी करेगा बकरे की तरह। गर्म खुराकें खा रहा है, इसका गुस्सा बहुत हो गया। दादा पुत्र बन जा, तू मनु नहीं जानता, देखें गुस्सा तो देखे ना इसका। इसके अलावा हम लेकर जा रहे हैं जी दो और बकरे, जिसमें एक है हमारा टेढ़ा और एक काला बकरा। तो ये टेढ़े को फिलहाल खोल रहे हैं और इसको भी लोड करते हैं फिर लोडर में। इनके भी खुर बनेंगे, इनके भी खुर बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। खैर इतने बड़े नहीं है जितने सफेद दुम्बे के हैं, इनके भी खुर ठीक कराएंगे हम। पर ये बकरों की रस्सियां चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनकी रस्सियां पाँव में, तो इनके गर्दन के अंदर डालेंगे। बकरा तो खुला हुआ है, बकरा लाओ इधर, इसको लेकर जाते हैं उधर, इसके गले में रस्सी डालें, इसको ले आए इधर। माशाल्लाह इनके खुर बनाने अभी लेकर जा रहे हैं। वैसे नॉर्मली हम इनको पाँव पर बांधते हैं रस्सी, जैसे अभी आप देखें इनके खुर का क्या हाल हुआ, इस वाले को देखें। तो ये बनाना जरूरी है वरना इनका ये क्या पांव टेढ़े हो जाते हैं। अभी इनको खुर बनाने लेकर जा रहे हैं रिंग रोड मंडी। चलें जी, अभी मैं यहाँ से टेढ़ा तो लोड हो गया, वो मैं दिखा नहीं सका, और अभी इसको लोड करते हैं लोडर में। इन दोनों को ये लोड कर रहे हैं। चलें, ये भी आ गया इसके साथ, दुम्बा भी खड़ा हो गया। माशाल्लाह आप जरा देखें हाइट कितनी है बकरे की, लोडर से ऊपर आ रहा है इसी तरह हमारा। माशाल्लाह बड़ा दुम्बा, और ये रहा जी छोटा टेढ़ा। इन्होंने टेढ़े को पाँव में पकड़ा हुआ के निकले ना। पास चलें, ये भी आगे हो गए, इनको लेकर जाएंगे बारी बारी, इनके एक खुर बनेंगे और फिर इनको वापस ले आएंगे अपने फार्म पर। माशाल्लाह व्यू तो खाली देखें, देखिए आपको मैं ऊपर करके दिखाऊं। दुम्बे का गुस्सा है कि अभी भी नहीं खत्म हो रहा, इसको तो बिल्कुल टाइट करके बांध दिया, केले जुले ना, और दुम्बा भी बांध दिया। अभी भी इसका गुस्सा दिखाऊंगा, गुस्सा देखिए इसका, बस है तू बाद आ जा, बाद आ जा। बकरा खुल गया, बच्चा तो भी अच्छा किधर ही खुल गया, लोडर में खुलता तो मसला बना सकता था। तो चलो हम आपसे मिलते हैं रिंग रोड मंडी में। A few inches later, हम जीटी रोड के बीच में खड़े हैं और इस बकरे ने दोबारा रस्सी निकाल लिया गले में से, तो अभी फिर इसको बांध रहे हैं। ये तीसरी दफा हो चुकी है। 20 minutes later, चलें जी हम रिंग रोड मंडी आ गए हैं। मेरे साथ इसी तरह बकरा चिपकता आया है, और ये अजीब मंडी में एंटर हुए तो जो खुशबू आई, आ हा हा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यहाँ पर साइड पकड़ के खुर बनाने वाले हैं, तो इन्हीं के पास ले जाते हैं और इनके खुर भी बनाते हैं। और इसके अलावा देखता हूँ अगर टाइम मिला तो मैं आपको जरा मंडी का भी विजिट करा दूंगा कि कैसे जानवर आए, क्या माल है और क्या रेट चल रहे हैं। यहाँ पर देखें घोड़े और गधों का भी पाँव सेट कर रहे हैं, यहाँ पर बाल कटिंग हो रही है घोड़ों की, यहाँ पर देखें घोड़े की भी हो रही है कटिंग। चलें जी हम पहुंच गए जी रिंग रोड मंडी।
पूरा रास्ता ये बकरा मेरे साथ इसी तरह आया है। पूरा कपड़े इनके देखें ये गंदे कर दिए सारा थूक से। ये यहाँ पर आए हैं, हमने एक दो बंदों से बात की है, एक ने तो हमें 1,500 बोले जो कि बहुत नाजायज बोले है, एक और से बात किया तो कहता है 1,000 रुपए में आपके तीनों कर दूंगा। तो बस अभी इसको उतारते हैं दुम्बो और बकरों को, तो ये उतरेंगे तो इनके बारी बारी एक एक का खुर कटेगा और इनका होगा जी मेडिक्योर पेडिक्योर। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सोच रहा रिंग रोड मंडी मुनीब और मैं भी जरा जाके एक विजिट कर आएंगे, कुछ रेट मेट का पता कर आएंगे और अपना शौक भी पूरा करेंगे मंडी भी घूम के। तो फिलहाल देखते हैं मेरे ख्याल से ये बकरे को निकालते हैं, चले कुछ के टोल कहते हैं सारे नीचे उतारते हैं चले। बकरा तो उतर आया, दुम्बा भी उतार लिया, बकरा भी उतार दिया, उधर ये टेढ़ा बेचैन हो गया। ये दो तो उतर गए हैं, ये स्टेटे को मैं जाता हूँ उतारने। इसको भी इधर किधर बांधते हैं और फिर इनकी खुर कटिंग करवाते हैं तीनों की। यहाँ पर तो हमने अपने जानवर तो बांध दिए हैं, मैं आपको एक यूनिक चीज दिखाते हैं। यहाँ पर देखें घोड़ों के बाल कैसे काटते हैं, चले इसके मुंह को यहाँ से इधर यहाँ से पकड़ लेते हैं और यहाँ से फिर यहाँ पर ये दो बंदे इधर इकट्ठे मशीन की मदद से इसके बाल उतारते हैं, क्योंकि अगर मुंह से ना पकड़े तो ये इनको काट सकता है, जिसकी वजह से इनको तकलीफ पहुंच सकती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इसका मुंह पहले पकड़ लेते हैं। A few moments later. पहले बकरी की बारी आ रही है, माशाल्लाह इसको इस तरह गिरा के इसके बनेंगे खोर बकरे के। बकरे को देखिए मुंह कैसे ऊपर गिया हुआ है, असल में इसने दूसरे घोड़े को देखा तो आवाज निकाली उसको देख के। इधर बस अभी इसके चल रहे हैं खुर कटिंग, दो पिछले पांव को हो गया है और अब ये इसके बन रहे हैं। इसका तो डन हो गया, इसके खुर बन गए हैं। अब मैं कह रहा हूँ मुनीप टेढ़ा ही ले जाओ, इस टेढ़े को लेकर जाते हैं। यह छोटा सा लेकिन बहुत चालाक है। यहाँ पर तो टेढ़े की तो कटिंग हो रही है, तो अभी दुम्बे की बारी है इसके बाद ना, तो हम जरा जाते हैं एक मंडी का विजिट करके आते हैं, आपको मंडी भी दिखाते हैं। हम इंटर हो गए रिंग रोड मंडी में। फिलहाल यहाँ पर तो बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, कोई जानवर नजर तो नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पर घोड़े ही घोड़े हैं। एक दो जगह है जहाँ पर हमें आइडिया है कि वहाँ पर बैल होते हैं, तो उधर जाते हैं देखते हैं, अगर कुछ नजर आया तो आपको भी दिखा देंगे, अगर ना हुआ तो बस हम जाते हैं डायरेक्ट अपने दुम्बों के पास, वहां पर जाके हम आपको फिर दुम्बे दिखाते हैं अपने। रिंग रोड मंडी तो बिल्कुल खाली पड़ी है, इससे अच्छी तो नासिरपुर मंडी है, उसमें फिर कुछ हमें माल नजर आया। हम मंडी की दूसरी जगह पर, यहाँ पर फिर कुछ हमें जानवर नजर आ रहे हैं कुर्बानी वाले, वो एक ये है, ये आपको दिखाते हैं जरा, अच्छे खूबसूरत दाने खड़े हैं इसके पास, गायें भी हैं इसके पास और बैल भी हैं। इस टाइम बिल्कुल मंडी खाली पड़ी हुई है, कुछ थोड़े थोड़े जानवर हैं अंदर शेड में खड़े हुए हैं अपने। हमारा ये कि बस हमने क्या है कि आए हुए हैं मंडी, तो एक चक्कर लगा लेते हैं मंडी का एक राउंड लेकर, बस अब हम दोबारा जाते हैं अपने दुम्बो के पास, वहां पर हम आपको जाके अपने दुम्बो की कंडीशन बताते हैं कि खुर तैयार हुए हैं कि नहीं, और फिर इंशाल्लाह हम अपने फार्म की तरफ निकलते हैं। इसी तरह अगर आपको और अपडेट्स चाहिए मंडियों की और हमारे जानवरों की, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जो कि है डेरा शौकीनों का, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर कट्टू जानवरों की अनलोडिंग हुई है, जो कि छुरी वाले जानवर होते हैं, उनको ये लेकर जा रहे हैं कसाब खाने, और हम लोग भी घूम घुमा के वापस आ गए अपने दुम्बों की तरफ। एक बड़ा यूनिक
से दुम्बे दिखाते हैं, इनकी लाट तो आप चेक करें, जिनको लोग लंबी कहते हैं वो कुछ चक्की कहते हैं, बिल्कुल जमीन के साथ लटकी हुई है, और हैं भी बहुत छोटे। और इसके अलावा और इससे ज्यादा यूनिक चीज आपको मैं दिखाता हूँ, वो जी पिंक कलर का भैंसा ये खड़ा है माशाल्लाह, ये बहुत कम लोगों के पास होता है। इसके अलावा यहाँ पर नुकरे भी खड़े हुए हैं, मुंदरे भी खड़े हुए हैं, देखिए आपको मैं मुंदरा दिखाऊं, लोग तो हंसेंगे कि इसका कैसा नाम है, लेकिन ये जी मुंदरा भी होता है। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे नस्ल वाले जानवर इधर खड़े हुए हैं, और ये क्रॉस में गए हैं काले अबलक में, और बड़े अच्छे वाले इसके पास नस्ल में जानवर हैं, वो सामने आप देखें माशाल्लाह ये। तो उसके अलावा पीछे भी एक और भी बैठा हुआ भैंसा आपको मैं दिखाता हूँ पिंक, ये बहुत यूनिक जानवर इधर खड़े हैं जी। जितनी देर में हम घूम के आ गए हैं तो टेढ़े के तो खुर बन गए हैं, अब बारी है सफेद दुम्बे की, तो मुनीस सफेद दुम्बे को खोलो के बस इसके हम अब खुर बनाए। लात मारी है इसने। इसके खुर बहुत ज्यादा खराब हुए हैं, ये देखें कितने बड़े हो गए हैं, तो इसके ये ठीक कराना जरूरी है। कितने टाइम बाद ठीक कराना जरूरी होते हैं खुर, आप बताएं? एक महीने बाद डेढ़ महीने बाद, महीना डेढ़ बाद कहते हैं हर जानवर से लेकर आना चाहिए और उनके खुर बनाना चाहिए। जिस तरह हम इंसानों के नखन बड़े होते हैं, इस तरह इनके भी बड़े होते हैं और इनका कटवाना जरूरी है। जो खुर बनाने की सर्विस है और बाल किसी ने अगर कटवाने हो अपने जानवर के, तो नंबर ले लें तो आप बुला सकते हैं। नंबर बोलें जी, 0315 6976 5758। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें और आ जाएंगे और आपके जानवर के खुर भी बना देंगे, सींग भी काट देंगे और बाल भी बना देंगे। A few moments later, खुर इसके भी बन गए, इन तीनों के बन गए। अब ये करेंगे इनको लेकर जाते हैं लोडर में चढ़ाते हैं, लेके देकर लेकर जा रहे हैं इसे। अभी इसको लोड करते हैं दुम्बे को, जो करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि माशाल्लाह हैवी वेट दुम्बे, इसको चढ़ाने पर दो बंदे लगते हैं। कर लेगा मुनीब, वो मुझे कहते हैं मोबाइल छोड़ो हो रहा हूँ, चलो मैं देखता हूँ। इसको तो चढ़ा दी है मुनीब और मैंने मिलके, अब बारी है टेढ़े की, अब इसको लोड करते हैं, अब इसको लोड करेंगे। और उधर से मुनीब खोल के ब्लैक बकरे को ला रहा है, टेढ़ा तो चढ़ भी गए। इन तीनों को तो लोड कर दिया है, दुम्बे को भी टेढ़े को भी और बड़े बकरे को भी, और बस हम निकलते हैं फार्म की तरफ। 20 minutes later. हम आ गए हैं फॉर्म पर, और इस दौरान ये भी काम हमारे साथ हुआ कि दरमियान में हमारा चालान हो गया, क्योंकि ये रॉन्ग वे पर थे, ना इनके पास लाइसेंस था ना इनके पास परमिट था, उस वजह से हमारा 120 रुपए का चालान हो गया। खैर ये काम तो होता है, तो बस अब हम आ गए हैं फॉर्म पर, अभी दुम्बे उतारेंगे और उसके अलावा बकरों को, इनका जी हो गया मेडी पेटी की ओर, चालान हो शोगा ना 120 रुपए। तो बस ये भी सीन हुआ आज हमारे साथ, अभी उतरेगा बकरा तो आराम से उतर जाता है क्योंकि इनकी वजन कम होता है। ओ, ओ, चले ये दो तो उतर, ये दो तो अंदर गए फॉर्म में, और यहाँ पर अभी इसको निकाल रहे हैं। 20 minutes later दुम्बे निकल के जा रहे हैं, कस्टमर आए थे देखने, अब पता नहीं बात होती है कि नहीं या फिर हम आपको बताएंगे। शाम हो गई है जी, मगरिब की अजाने भी हो गई है, तो बस इसी नोट पर आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।